देखिए इसमें ना जब गवर्नमेंट होती है वो कंटिन्यूटी में होती है, इसमें अच्छा भी कंटिन्यूटी में होता है और इसके अंदर कोई बुराई भी रहेगी तो कंटिन्यूटी में होती है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि किसकी बुराई है किसकी अच्छाई है, मैं कहूँगा इसको अच्छा करेंगे, आगे के बारे में सोचेंगे। आप सही कह रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर ट्रेन आनी है, एक नॉर्मल ट्रेन चली, उसके बाद उसको और बेहतर किया गया, शताब्दी राजधानी चली उसको और बेहतर किया गया, वंदे भारत जो ट्रेन है वो चल रही है, और अच्छा किया जाएगा तो बुलेट ट्रेन चलेगी, मेट्रो चल रही है, तो इसको अच्छा जो है एक प्रोसेस, और प्रोसेस के अंदर मैंने आपको कहा कि टूरिज्म ने 25 लाख रुपये दिए इस इवेंट के लिए, तो ये कोई कम थोड़ना है कि एक इवेंट को आप पूरी तरह से बिल्ड करते हो, आगे बढ़ाते हो। तो आगे जाके मैंने अभी DTDO साहब को कहा 8 करोड़ का जो स्कूल बना है इसको और बढ़ाएं, आगे जाके अगर हमारे को कोई पैराग्लाइडिंग वाले कुछ मांगेंगे हम ज़रूर टूरिज्म की तरफ से आगे बढ़ के देंगे। मुझे आज इन्होंने किशोरी जी ने एक दो चीज़ें प्रपोजल टूरिज्म के लिए कही हैं, उसके ऊपर मैं अभी अधिकारियों से बात करके इसके ऊपर काम करेंगे। आप एक चीज़ समझिए, सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ और मैं चाहूँगा इसको आप अगली अलग से एक बाइट में जरूर दिखाएं, हमारे हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की पहली सोच क्या थी? पहली सोच थी एक गरीब को एक एक आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है उसको पहचान के उसको देख के उसके लिए काम किया जाए। इसलिए वो सबसे पहले वहां गए जहां पे ऑर्फन विलेज था और वहां जाके उन बच्चों को उन्होंने गोद भी लिया और ये कहा कि ये पूरे हिमाचल के बच्चे हैं, अब ये स्टेट के चिल्ड्रन कहलाएंगे। दूसरी सोच क्या थी कि मुझे हेल्थ के अंदर काम करना है तो मुझे एकदम जाके इमरजेंसीज को अस्पतालों के अंदर मुझे रात दिन इसके अंदर चेंज लाना है। उसके लिए क्या किया गया, बजट के अंदर रोबोटिक सर्जरी का प्रावधान किया गया। रोबोटिक सर्जरी बड़ी से बड़ी जगह नहीं आई है पर हमारे मुख्यमंत्री साहब ने सोचा कि हम इसको प्रदेश के अंदर लाएंगे और मेडिकल कॉलेज में लाएंगे। छोटे जो अस्पताल हैं उनके अंदर सीटी स्कैन और MRI की सुविधा लाएंगे। एक स्टेप आगे सोचा कि हमें अपने अस्पतालों को बेटर करना, उस पर काम करना है। तीसरी सोच कि हमने एजुकेशन में काम करना, तो जो एक बच्चा है जो पढ़ रहा है उसको मॉडल स्कूल मिले, स्कूल के अंदर डे बोर्डिंग स्कूल हो, उसके अंदर स्विमिंग पूल भी हो, उसके अंदर बढ़िया क्लासेस हो, स्मार्ट क्लासेस हो, 100-100 करोड़ रुपए भी लगे तो एक गवर्नमेंट स्कूल को हम इतना बड़ा करा बनाएं जिसमें 100 कनाल, वो कह रहे हैं कि 100 कनाल से कम ज़मीन ना दीजिए, मैंने तो नगरोटा के अंदर 100 कनाल ज़मीन निकाल के अलग से एजुकेशन के नाम भी करा दी। आप समझ रहे हैं मेरी बात। चौथी सोच क्या थी, अब ये बड़ी, मैंने चौथा इसलिए नाम लिया कि आप कहोगे टूरिज्म का नाम लेता रहता है, जबकि ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की पहली सोच है कि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात। और टूरिज्म कैपिटल में क्या आएगा, कभी किसी ने सोचा टूरिज्म कैपिटल नाम से हो गया? ऐसा नहीं है, टूरिज्म कैपिटल में सबसे पहले 1311 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो कि सेंक्शन हो, जिसका ADB का क्लियरेंस हो गया, और 1311 करोड़ रुपए जो पहला ट्रांच है जिसका काम चालू हो जाएगा, उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर वेलनेस सेंटर आएंगे, मतलब होटल आएंगे जो कि टूरिज्म के ऐसे होटल होंगे जिन होटलों के अंदर आप मतलब इट विल बी 5-star होटल है, आप टूरिज्म के होटल अलग अलग जगह में खुलेंगे। दूसरी सोच क्या है उसके अंदर कि हम एडवेंचर स्पोर्ट्स और वाटर टूरिज्म के ऊपर काम करेंगे, गोल्फ कोर्सेज के ऊपर काम करेंगे। गोल्फ कोर्स के लिए जगह चयनित हो गई, अब जगह को एकदम टेक ओवर करने जा रहे हैं DTDO साहब, उसके ऊपर 50 करोड़ रुपए लगेगा गोल्फ कोर्स के ऊपर, होटल के ऊपर 60-70 करोड़ रुपए लगेगा, कई वेलनेस सेंटर होटल तो 90 करोड़ रुपए के बन रहे हैं जो इसके अंदर दिया है, उसका ब्यौरा आगे जाके देंगे। आपके इसके अंदर जो इंटरनेशनल फाउंटेन है वो बनेंगे, वाटिकाएं बनेंगी, आपकी बसेज आएंगी जो ऊपर से शीशे वाली होती हैं जो फॉरेन कंट्री में चलती हैं, आपकी योयो बस आएगी जिसके अंदर आप नीचे से डबल डेकर बसेज होंगी जिसमें लोग जब चलेंगे तो आप ऊपर से भी देख सकते हो, ऊपर बैठ के भी देख सकते हो, आपका अलग तरह का काम होगा। देवी धाम सर्किट बनेगा, देवी धाम सर्किट के अंदर करोड़ों रुपए खर्च होगा, ब्यूटिफिकेशन होगी, जैसे पालमपुर है, पालमपुर के अंदर करोड़ों रुपए दिया जा रहा है, धर्मशाला के अंदर दिया जा रहा है, बैजनाथ के अंदर दिया जाएगा। आज मैंने इनको बोला कि बैजनाथ के भी प्रपोजल, तो मुख्यमंत्री जी की जो सोच है
वो टूरिज्म कैपिटल बनाने के लिए गोल्फ कोर्सेज, होटल, वेलनेस सेंटर्स, म्यूजिकल फाउंटेन्स, इंटरनेशनल फाउंटेन्स, वाटिकाएं, अलग अलग स्पॉट्स को डेवलप करना, ये किसके लिए हो रहा है? कांगड़ा कैपिटल। मुख्यमंत्री महोदय को दो चीजों का दर्द। पहला दर्द जो कि एक आम आदमी का दर्द होता है कि हमें आम आदमी को उठाना है, और दूसरा दर्द ये है कि मैंने आगे जाके पूरे हिमाचल को आगे बढ़ाना है, और कांगड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं नदौन जो है वो बिल्कुल कांगड़ा का बॉर्डर है, और कहीं ना कहीं उनका दिल जो है वो कांगड़ा में भी बसता है, तो कांगड़ा को उन्होंने इसका कैपिटल बना के करोड़ों रुपया इस यहाँ पे दे दिया। और अभी जब हम इसको सैंक्शन करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, मैंने अभी आपको सिर्फ 5% चीज़ें बताई हैं, इसमें ऐसी 50 चीज़ें और आएंगी जो आप देख के हैरान हो जाएंगे। और ये चीज़ टूरिज्म करने जा रहा है आने वाले समय में। हमने इस बार जो बजट है वो 10 गुना कर दिया। 50 करोड़ के करीब बजट होता था, आज 550 करोड़ रुपये बजट हो गया। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि टूरिज्म का बजट इतना बढ़ा देंगे। तो ये सोच एक सरकार की, और सरकार को जो हेड करता है उसकी उन जो बजट पेश करते हैं वो पूरी सरकार की सोच को पेश करते हैं। तो मुख्यमंत्री महोदय ने हम सब की सोच को पेश किया है, और आगे बढ़ के कांगड़ा बहुत आगे बढ़ने वाला है, ये पक्की बात है। और ये जो आपने कहा कि कांगड़ा में इन चीज़ों को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए, हम बिल्कुल इसको आगे लेके जाएंगे।